हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किए थे। इसमें सारे मेकअप प्रोडक्ट हैं, कॉम्पैक्ट है, फाउंडेशन है, फिक्सर है, प्राइमर है और जो ब्लेंडर भी है। तो ये ग्वैन लुक का प्राइमर है। इस पे दिखा रहे हैं कि परफेक्ट ये ऑयल फ्री प्राइमर है। और जब इसका प्राइमर का टेक्सचर देखें तो इसका टेक्सचर जेल फॉर्म में है और ये स्किन पे इजीली ब्लेंड हो जाता है, थोड़ा शाइन लुक देता है, लगभग ठीक ही है। अब इसके फाउंडेशन की बात करते हैं। इसका फाउंडेशन का कलर क्रीम शेड में है और स्किन पे ये ब्लेंड हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही ब्लेंड हो जाता है, यानी दिखना ही बंद हो जाता है। तो फाउंडेशन एकदम बहुत हल्का सा नेचुरल लुक देता है। इसे कंसीलर की बात करते हैं तो इसका कंसीलर 2-in-1 स्टिक में है। एक साइड में कंसीलर है, इसको एज द हाईलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और एक साइड में इसके कॉन्टोर है, कॉन्टोर का डार्क ब्राउन कलर है। ये थोड़ा स्टिकी है, चिपचिपा है, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ये मेकअप किट के प्राइस की बात करते हैं तो ये मुझे सारे प्रोडक्ट 185 ओनली 185 रुपीज़ में रिसीव हुए हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किए थे। ये वर्ल्ड चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट हैं और ये ग्वैन लुक का फ्लॉलेस पाउडर है। इसका कलर मीडियम स्किन टोन के लिए अच्छा है। इसमें थोड़ी शाइन है, जिन फ्रेंड्स को शाइन पसंद है तो उनके लिए ये कॉम्पैक्ट अच्छा है। अब बात करते हैं फिक्सर की, लास्ट प्रोडक्ट। तो ये फिक्सर है इसका, तो इसको मैं मेकअप के लास्ट में अप्लाई करना है। ये फिक्सर बहुत जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता है स्किन में, कम से कम 5 मिनट लेता है स्किन में अब्जॉर्ब होने में। फिक्सर पैसों के अकॉर्डिंग अच्छा है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को मैंने अपने फेस पर अप्लाई करके देखा था, कॉन्टोर मुझे अच्छा नहीं लगा और जो कॉम्पैक्ट है उसमें शाइन है। फ्रेंड्स, ये मेकअप मैंने आपको रिव्यू देने के लिए परचेज़ किया था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड।